नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ बिग बॉस 18 डे 26 और 27 की ज्वाइंट रिव्यू लेकर के। तो आज दिन की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिग बॉस ने टाइम गॉड बनाने की अनाउंसमेंट की, जिसके लिए शिल्पा जी को राजमाता बनाया गया और विवेक डिसूजा और करणवीर मेहरा को राजकुमार बनाया गया। और इन दोनों को ये बताना था कि क्यों ये दोनों टाइम गॉड के लिए बेस्ट हैं और इनमें क्या प्रतिभा है जो इन्हें टाइम गॉड चुना जाए। तो क्या आप लोग भी शिल्पा जी के डिसीजन से सहमत हैं? मैं तो कहीं ना कहीं यही सोच रही थी कि शिल्पा जी अपनी हिपोक्रेसी के कारण जो है डिसीजन लेने में गलती कर दी, क्योंकि एक गेम तो करणवीर ऐसे ही जीत चुका था कि चुंग को कन्विंस करना था और वो पार्ट तो करणवीर जीत चुका था, विवियन हार चुका था। बस जब लास्ट में अब डिसीजन रह गया था शिल्पा जी के हाथ में कि शिल्पा जी को डिसीजन सुनाना था, हर तरह से हर किसी को यही फील हो रहा होगा कि करणवीर को इस बार का टाइम गॉड बनाया जाएगा। लेकिन शिल्पा जी जो है अपनी हिपोक्रेसी के कारण इस गेम को खराब कर दी, क्योंकि शिल्पा जी हमेशा से विवियन को अपने पक्ष में करना चाहती हैं और आप लोगों ने ये देखा भी होगा, और विवियन उसको रत्ती भर भाव नहीं देता है। लेकिन शिल्पा जी को पता नहीं, विवियन से भी बना करके रखना है और करणवीर से भी बना करके रखना है, और इस चक्कर में शिल्पा जी गलत डिसीजन लेती हैं और विवियन को टाइम गॉड बना देती हैं। ये चीज विवियन भी नहीं सोचा होगा कि उसको टाइम गॉड बना दिया जाएगा, क्योंकि जो भी बातचीत हुई थी हर तरह से करणवीर ही आगे था। कुछ पॉइंट पे विवियन सही थे, अदरवाइज मैं ओवरऑल अगर इस गेम की प्रतिक्रिया को देखूं तो करणवीर ही विनर होते, टाइम गॉड के लिए चुने जाते। लेकिन शिल्पा जी का एक गलत डिसीजन अब घर वालों पे भारी पड़ रहा है। अब आप ये देखेंगे कि जब से विवियन जो है टाइम गॉड बना, उसके एटीट्यूड में कितना चेंजिंग आ गया है। पूरी तरह से दिख रहा है कि एक तो पहले से ही वो बदतमीजी से बात करता था, बहुत रूडली बात करते थे, वो किसी से ढंग से बात नहीं करते थे। और जिस चीज को आज श्रुतिका भी जो है हाईलाइटेड की, श्रुतिका जब जेल में गई, जेल में जाने के पहले वाले इंसिडेंट में बात करना चाहती हूँ मैं, हाईलाइट करूंगी उस मग पर जो श्रुतिका जिसको छू दी थी और विवियन ने बोला कि देखो इस लड़की ने छू दिया है, इसे धो दो। तो ये तो कोई तरीका नहीं है बात करने का। अगर श्रुतिका उस मग को छू दी तो आप उसको धुलवाना चाह रहे हैं, तो श्रुतिका जो भी काम कर रही है तो बेकारी कर रही है। तब तो आपको हर काम को दूसरे किसी से करवाना चाहिए था। ड्यूटी असाइन करने के टाइम में भी जानबूझ करके जो है श्रुतिका से पंगा ले रहे हैं, श्रुतिका को जाकर के उंगली कर रहे हैं कि ये काम करो वो काम करो, सारे डब्बों को हटा करके, बर्तन के हटा करके सफाई करो। तो जनरली यही होता होगा कि जो भी सफाई का चार्ज लेते होंगे ना, वो अपना उसी तरह से आगे जो भी प्लेटफॉर्म खाली रहता होगा उसको वो सफाई करते होंगे, और डीपली सफाई 10 दिन 15 दिन महीना दिन पे होता होगा। लेकिन श्रुतिका के पीछे इस तरह से पड़े, श्रुतिका ना करके भी उस काम को वो की। विवियन में ये चीज आप देखे होंगे, जिस चीज को श्रुतिका हाईलाइटेड की, कि जो विवियन कुछ लोगों से अलग तरीके से बात करते हैं, कुछ लोगों से अलग तरीके से बात, जिसमें कि श्रुतिका, चाहत इन लोगों से बहुत रूडली बात करते हैं, वो बिल्कुल उससे तमीज से बात करते ही नहीं है। और यही चीज अगर अविनाश और शिल्पा जी को भी भाव नहीं देते, शिल्पा जी से भी वो बड़े बदतमीजी से बात करते हैं, करणवीर से भी बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन बात उतना बढ़ता नहीं है। और दूसरी गैंग के बारे में बात करें तो एली सीसा से वो कितना काम, कितना कूल होकर के बात करते हैं। तो उनका यही है कि दूसरी गैंग को मैं जैसे मन तैसे उनसे बात करूं, उनका अपमान करूं और वो कोई रिएक्ट ना करे। और एक चीज विवियन का मुझे गलत लगता है कि कोई भी अगर उसे कुछ सवाल करता है ना, तो उनको चीर हो जाता है, वो उस बात को दिल से ले लेते हैं और उनको अपने आप में ये लगता है कि भाई मैं विवियन डिसूजा, मैं क्यों किसी के सवाल का जवाब दूंगा। और बिग बॉस भी उनको इतना भाव दे करके रखे हुए हैं, इससे विवियन का गेम ही खराब होगा। विवियन को ना बिग बॉस के छाव में, उनके आंचल में रह करके गेम खेलने की हैबिट हो जाएगी। विवियन स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, नो डाउट, वो अच्छा गेम खेल सकते हैं, लेकिन हर बात में इंटरफेयर करना बिग बॉस का, मेरा लाडला, मेरा प्यारा, मेरे लाडला को कोई कैसे बोल सकता है, ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है। अगर बिग बॉस आपको इतना ही मन होता है गेम खेलने का, तो एक बार आप खुद आ जाइए ना बिग बॉस हाउस में और खेल लीजिए गेम, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ आपके अंदर बहुत आजकल उछल कूद हो रहा है। पहले के बिग बॉस में बिग बॉस की आवाज सुनने के लिए लोग तरस जाते थे, एक बार अगर बिग बॉस किसी का नाम लेते थे तो वो उछल पड़ता था। आप तो अब हर बात में इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको तो खुद ही खेल लेना चाहिए था, खुद ही प्रतिभागी बन जाना चाहिए था। आप तो बेकार बिग बॉस बन के बैठे हुए हैं, किसी और को अपनी ड्यूटी आप दे दे और आप जो है बिग बॉस का कंटेस्टेंट बन जाए, वो आप पे शोभा देगा। हर एक बात में आप इंटरफेयर करते हैं, हर किसी मुद्दे में आप टोकते हैं, और ऐसे टोक टोक करके आप विवियन का गेम भी खराब कर रहे हैं। जब विवियन को टाइम गॉड बनाया गया, उसके बाद
करणवीर जो है उनको भी खुल करके बोलना चाहिए था शिल्पा जी को। करणवीर को शिल्पा जी के साथ नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि शिल्पा जी करणवीर को हमेशा जो है विभिन्न से ऊपर नहीं समझेंगी, करणवीर को नीचे ही समझती हैं, और वो करणवीर से दिल से नहीं जुड़ी हुई है, बस एक साथी चाहिए, एक ग्रुप चाहिए, तो वो करणवीर के साथ बैठी हुई है। लेकिन उनका दिल विभिन्न के पास है और शरीर करणवीर के ग्रुप के पास बैठा हुआ रहता है। आज जो निष्पक्षता के साथ उनको करना चाहिए था, डिसीजन देना चाहिए था, वो तो नहीं कर पाई। करणवीर को खुल करके शिल्पा जी से बोलना चाहिए था कि आप मुझे क्यों नहीं बनाए, कहाँ कमी रह गई थी और किस पॉइंट पे मैं गलत था। शिल्पा जी ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जैसा कि करणवीर ने विकेंड के बारे में ये क्वेश्चन किया था शिल्पा जी को कि मैं समझ रहा हूँ आप विवियन को इसलिए बना दिए कि करणवीर तो फिर भी समझ जाएगा लेकिन विवियन नहीं समझेगा, तो शिल्पा जी उस वक्त भी डिनाई कर दी। तो करणवीर आप शिल्पा जी को नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपका यूज कर रही है और आपको जो है इसी तरह से हर जगह आपको धोखा देंगी। वीकेंड के बार का कीचड़ वाला टास्क जो था उसमें कीचड़ जा करके चुम और करणवीर को बिठाया जाता है कि इन दोनों में कौन जो है एक दूसरे को धोखा दे सकता है। तो शिल्पा जी करणवीर को जा करके कीचड़ डालती है और क्या बोलती है, क्योंकि इसका फ्यूचर में रिलेशन खराब रहा है तो आगे ये चुम के साथ धोखा दे सकता है आगे इस चुम को। तो मैं शिल्पा जी से ये बात करना चाहती हूँ, क्यों अगर उसका फ्यूचर में दो रिलेशन खराब रह चुका है तो क्या तीसरा रिलेशन भी उसका खराब ही जाएगा? वो तीसरा रिलेशन में ईमानदार नहीं होगा, लॉयल नहीं होगा अपने पार्टनर के लिए, और बार बार आप उसके फ्यूचर पे उंगली उठाने वाली होती कौन है, ये इस तरह की कमेंट करने वाली आप होती कौन है, ये राइट आपको किसने दिया है? करणवीर को उसी जगह रोकना चाहिए था कि मेरे बीते हुए कल को लेकर के आप लोग ना बोले। स्ट्रिक्टली अगर करणवीर नहीं बोलेंगे ना, तो जिस तरह से उनको बिग बॉस छेड़ रहे हैं, हर वीकेंड पे सलमान सर आकर के उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, वही होते रहेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनको भी साइडलाइन कर देंगे और निकाल देंगे। इतना प्रतिभाशाली एक कंटेस्टेंट आया हुआ था और उसकी प्रतिभा को दबा करके उसको डोमिनेट करके उसको निकालने का प्लानिंग हो रहा है। करणवीर के अंदर वो कैपेसिटी थी कि वो इस गेम को अच्छे से खेल सकता था, वो एक यूनिक कैरेक्टर था कि बिना लड़े झगड़े बिना चिल्लाए चिल्लम चिल्ला किए हुए वो इस गेम को खेल रहा था। लेकिन बिग बॉस को ये पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको तो हमेशा एक कपल गेम अच्छा लगता है, एक चिल्लाने वाला नेगेटिव पर्सनैलिटी का बंदा अच्छा लगता है। हम लोगों को ये भी देखना पसंद आता है कि कोई शांत तरीके से कैसे इस गेम को खेल सकता है। मुझे लग रहा है ना बिग बॉस इसको पर्सनल ले लिए हैं कि उनको जो चीज समझ में आएगा बस वो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि मुझे ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, मुझे ये चीज करवाना है तो वही चीज वो करेगा। वीकेंड के बारे में आप देखे होंगे कि करणवीर और चुम की बात को लेकर के सलमान सर क्या पोर्ट्री करना चाह रहे थे कि आप लोगों का हैशटैग चल रहा है चुमवीर करके, कि सलमान सर इस चीज को हाईलाइटेड करना चाह रहे थे करणवीर और चुम के रिलेशन को कि चुमवीर करके आप लोगों का हैशटैग चल रहा है। जरूरी नहीं है कि एक बंदा और एक बंदी साथ रहे तो वो कपल ही हो जाए, हो सकता है चुम का बाहर कहीं होगा, हो सकता है करण की मनोदशा कुछ और होगी, वो नहीं चाहते होंगे अभी रिलेशन बनाना, तो आप उनको उंगली करके जबरदस्ती का रिलेशन झूठा रिलेशन तो नहीं बनवा सकते हैं जो आप और सब लोगों के साथ करते हैं कि झूठे रिलेशन में आ जाओ बिग बॉस में 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए गेम खेलो बाहर जा करके निकल करके। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, और व्यूअर्स को ये चीज पसंद नहीं आता है, वो नेचुरल गेम देखना चाहते हैं, एक्चुअल का पार्टनरशिप जो होता है, अगर सही में कपल बन जाते हैं तो वो भी देखने में अच्छा लगता है। हर कोई जाकर के करणवीर पर यही चीज बोल रहा है, ईशा जाकर के यही जवाब दे रही है कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनका रिलेशन खराब हो था पिछला। तो पिछले रिलेशन पे बोलने का राइट किसने दिया है इन लोगों को? करणवीर आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपको बोलना चाहिए कि मेरी पिछली बातों को आप क्यों बीच में ला रहे हैं, अभी प्रेजेंट में जियो ना। कौन ऐसा लड़का लड़की है जो जिनका कि चलो ठीक है करणवीर की शादी हो गई तो दो रिलेशन उनका खराब हो गया, और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता है मैं तो यही देखती हूँ कि 5 7 10 ऐसे ही लड़के बदलते रहते हैं, हर 2 महीना 4 महीने 6 महीने पर लड़का बदलता है, तो वो क्या लॉयल थे अपने इसमें रिलेशन में? क्या उनका फ्यूचर में शादी टिक सकता है? तो आप पर्सनल कमेंट किसी पे करने वाले होते कौन है, ये राइट आप लोगों को किसने दिया हुआ है? मुझे ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि करणवीर जैसे कंटेस्टेंट को बिग बॉस दबाते दबाते उनको पूरा उनका गेम खत्म, करणवीर का गेम खत्म हो चुका है, वो अब कुछ दिखाने लायक नहीं रहा, वो इतना उंगली करने के बावजूद भी करणवीर खुल के नहीं आ रहा है। तो इससे आप समझ जाइए ना उसका वही पर्सनैलिटी है, वो लड़ झगड़ करके वो सामने आकर के नहीं बोल सकता, वो जिस तरह से चल रहा है वन लाइनर के बारे में बोलते थे पहले आप, अब तो आप सलमान सर ये भी बोल दिया करके कि उनकी शायरी भी उतनी अच्छी नहीं जा रही है।
तो वो बेचारा जो करता है सब चीज के बारे में आप उनको रोक रहे हैं, रोक क्या रहे हैं सब चीज के बारे में, आप यही आकर के हर वीकेंड पे बस इतना ही रहता है करणवीर को कैसे नीचा दिखा दिया जाए, बस इतना ही है कि करणवीर को डोमिनेट कर दो, उसको नीचे दिखा दो ताकि उसका हौसला टूट जाए, वो गेम ना खेल सके और एक बहाना मिल जाए उसको गेम से बाहर निकालने का। मुझे तो ये लग रहा है जैसे नायरा को गेम से बाहर निकाला गया था, इसको भी गेम से बाहर निकालने का प्लानिंग हो चुका है, जबकि वो टॉप टू का बंदा था और विवियन को टक्कर दे सकता था, क्योंकि विवियन को शो जितवाना है, ट्रॉफी देनी है, तो करणवीर को गेम से बाहर कर दो, करणवीर का गेम खत्म कर दो, यही प्लानिंग चल रहा है। और इस चीज को खुल करके कोई बोल भी नहीं रहा। अब बात करते हैं ईसा, एलिस और अविनाश पे। इन तीनों की तिकड़ी जो थी इस चीज में, एलिस तो अपने आप को इन लोगों से थोड़ा अलग थलग मान ही रही थी, पिछले वीक में देख रही होंगे कि एलिस लोगों के पास जाकर के उठना बैठना शुरू कर दी थी, लेकिन नहीं बना ग्रुप तो आकर के फिर से इसी ग्रुप में वो बैठ गई। और एलिस ऐसे भी उसका गेम खोया खोया हुआ है, एलिस अपने आप को जो है ना वो कमजोर महसूस कर रही है, गेम उसका कुछ नहीं बचा हुआ है। और इसमें सोने पे सुहागा कर दिए सलमान सर आकर के कि उसका जो बॉयफ्रेंड है एलिस का बाहर क्या ना कमर ढिल्लन, हाँ कमर ढिल्लन करके नाम है उनका, जो साथ में सीरियल बनाए थे पांड्या स्टोर में, तो उनसे उनका अभी चल रहा था, उनके बारे में ही एलिस जो है करण के पास ये चीज बोली थी कि वो मुझे प्रपोज के साथ ही इस चीज के लिए भी बोला था कि शादी भी करना है। तो कमर ढिल्लन तो बाहर इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं भी उनका इंटरव्यू देखी हूँ, वो इस चीज के लिए डिनाई कर रहे हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं बोला था। ये बात सलमान सर आकर के वीकेंड के बारे में बोल देते हैं एलिस को, वो पूरी तरह टूट जाती है। एक खिलाड़ी जो खुद ही कंफ्यूज है, जिसको खुद पता नहीं है कि अब मैं क्या करूं, उसको आप अगर बाहर की इस तरह की न्यूज ला करके देते हैं तो उसका गेम तो खा गया खल्लास। जिसको आप टॉप टू बना करके लाए थे उस खिलाड़ी को ही खत्म कर दिए आपका क्या गेम है, समझ में नहीं। जरूरत क्या थी, अभी इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, क्या जरूरत था आकर के बाहर की बातें विघन के बारे में लाने की, क्या जरूरत था उनको ये बात। आप ये चीज ठीक बोले कि अविनाश और ईसा का मैक्सिमम टाइम एलिस को मनाने में चला जाता है, एलिस छोटे छोटे बातों पे बुरा मान जाती है कि क्या आपको लगता है कि बाहर भी एलिस का यही स्वभाव होगा, जो बिना माँ बाप के पली बड़ी है उसको हर छोटे छोटे बात पर बुरा लगता होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि एलिस को कुछ करने को नहीं दिख रहा है, उसका कोई गेम नहीं है, तो झूठ मूठ का वो हर बात पे गुस्सा कर रही है, हर बात पे चीर रही है, उसको लग रहा है कि मैं क्या करूं। तो यही एक चीज है कि दोनों मिल करके आएंगे तो ये एक सीन बनेगा और वो चीज क्रिएटिव जो है इसको दिखाएंगे, जैसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो अकेले जो बच्चा रह जाएगा बाहर, वो इतना भी दिमाग से कमजोर नहीं होगा कि छोटे छोटे बात पर उसको बुरा लगेगा। आज जो एलिस की मनोदशा आप देखे होंगे, एलिस जिस तरह से टूट गई थी, हर बात पे सब हंस रहे थे, बोल रहे थे सलमान सर के बात पे, लेकिन एलिस जो है गुमसुम सी थी, उसके आंख में आंसू भरा हुआ था, बहुत बुरा लगा। आप दीपावली के एपिसोड में इस तरह से किसी को रुला दिए आकर के। और यहीं पर इन दोनों दोस्त की सो कॉल दोस्त जो बनते हैं, इन दोनों दोस्त की सच्चाई सामने आ गई, अभिषेक और ईसा की। ये लोग उसको मनाने तक नहीं जा पा रहे थे। विवियन जो है वो बोले कि देखो मैं इसको नहीं मना सकता हूँ, तुम लोग इससे बात करते हो एक बार जा करके देखो, वो नाराज है, वो दुखी है मनाने के लिए। तो ईसा और अविनाश जो है एक फॉर्मेलिटी के लिए चले गए उसके पास, और एलिस बोली कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो ठीक है, अकेला कोई बंदा अगर कहता है मुझे छोड़ दो तो क्या आप उसे अकेला छोड़ देंगे? वो उसके लिए उतना बड़ा शॉर्ट था, क्योंकि एलिस का एक शब्द सुनने होंगे आप लोग जो बोली थी कि मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही वो है, उसका बॉयफ्रेंड। सही बात है, जिसकी न माँ है न पापा है तो उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया ही वो होगा ना, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहती होगी या जो उसका अभी प्रेजेंट में बॉयफ्रेंड है, तो उसको बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। लेकिन ये दोनों दोस्त अपना पल्ला झाड़ करके एक फॉर्मेलिटी करके निकल लिए। और ईसा की एक बात पर आप ध्यान दिए होंगे, ईसा क्या बोली थी, थैंक गॉड कम से कम आज इस चीज को उठाया गया कि एलिस जो नाराज होती थी और ईसा जो उसको मनाती थी, तो अब वो सोच रही है कि मुझे इस चीज से छुट्टी मिली, कम से कम ये बात बोला गया एलिस को, तो वो अपने आप में सुधार लाएगी। ईसा बहुत शातिर ब्रेन की है, ईसा को समझना सबके बस की बात नहीं है, और क्लियर कट बोलती हैं वो जो भी बोलती हैं। ईसा भी अगर चाहे तो अच्छा गेम खेल सकती हैं सामने आकर के, लेकिन वो अभिषेक एलिस इन लोगों के बीच फंसी हुई, अगर खुल करके लोगों से बात करे, ईसा का भी पर्सनल कोई, आप ये देखे होंगे इन दोनों लड़कियों का पर्सनल झगड़ा किसी से नहीं है। अविनाश का झगड़ा अविनाश के दोस्त, ईसा के दोस्त इन दोनों के दोस्त, और अविनाश के दुश्मन इन दोनों के दुश्मन। एलिस का तो गेम चौपट हो ही गया, कम से कम ईसा को इस चीज से बाहर आना चाहिए। जो भी राइवलरी हो रही है एक दूसरे में, या जो भी एक दूसरे को बोलना है, एक दूसरे की बातों से आप सहमत नहीं है, तो क्लियर कट आकर के सामने में बोलो
तो मजा आ जाएगा, तो आपकी पर्सनैलिटी खुल करके सामने आ जाएगी। एलिस में, ईसा में वो दम है, वो पोटेंशियल है, वो दिखता है कि ईसा आगे जा सकती है। ईसा और अभिषेक को लाया गया कीचड़ वाले गेम में, तो करणवीर उनके ऊपर, ईसा के ऊपर पानी दिए कि ये कभी धोखा दे सकती है। तो मैं करणवीर की इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ईसा अविनाश के लिए गेम छोड़ने तक को तैयार थी, तो वो धोखा नहीं दे सकती है। वो मैक्सिमम कोशिश करती है बात संभालने की, और ग्रुप ना टूटे ये कोशिश तो ईसा करती है। ये एफर्ट उसका दिखाया जाता है, देखने में भी आ रहा है कि ईसा जो है वो धोखा नहीं देगी। लेकिन हाँ, रजत के साथ जो कि जो जिसके बारे में करणवीर बोले कि ये रजत को भाई बोलती थी और रजत को जेल में डलवा दी, तो क्योंकि रजत को जेल में डलवाने का एक रीजन था कि बिग बॉस उसके पहले उनको एक छोटा सा क्लिप दिखा दिए थे कि रजत उनके बारे में बोल रहे थे कि इस ग्रुप को तोड़ो, और भाई बहन होंगे तो होंगे, बाहर होंगे, अभी यहाँ गेम खेल रहे हैं। तो ईशा भी वही काम कर रही थी, तो उस जगह कोई भी रहता तो यही चीज करता। साइलेंटली ईशा अपना कर रही, रजत को कुछ बोली भी नहीं और साइलेंटली अपना कर रही थी। ईशा की कोशिश ये भी होती है कि अविनाश और विवियन में क्या बात होता है वो भी जाने। अगर कभी अविनाश विवियन से अलग में जाकर के बात करते हैं तो ईशा को ये चीज पसंद नहीं आता है, क्योंकि विवियन कभी कभी ईशा को भी साइड में ले जाकर के बातें करते हैं, और वो बात अविनाश से वो शेयर नहीं करती है, अविनाश उनसे नहीं पूछता है। लेकिन अविनाश को कभी विवियन ले जाकर के अगर कुछ बोलते हैं तो ईशा इस चीज पे क्वेश्चन उठाती है। ईशा अविनाश को भी इस तरह से घुमा रही है ना कि मैं ही तुम्हारी हितेशी हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए अच्छा कर सकती हूँ, मैं ही तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। उनको ये नहीं पता है कि अविनाश खुद ही ब्रेन से बहुत स्मार्ट है, वो खुद ही बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। अभी देखा जाए तो अविनाश का गेम भी अच्छा खासा चमका है जब से वो जेल से बाहर आया, क्योंकि जेल में तो अपना इमेज बिल्कुल बिगाड़ लिया था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अविनाश जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, वो सही दिख रहा है। और अविनाश का ये बोलना भी सही साबित हुआ कि जेल में रहने के बाद अच्छे अच्छों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। बात तो सही है, जेल में जो भी रहे हैं सबकी पर्सनैलिटी तो चेंज हो ही गई है। छोटा सा एक नमूना मैं बताती हूँ कि जो सारा खान अंदर से जेल में थी और अरफिन खान आकर के जो उनको भड़काते हैं कि ये लड़का मेरे साथ में कितना, मतलब मुझे परेशान किया है, 2 दिन तक मेरे मुंह के आगे मैं पकड़ 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 कर रहा था और मैं कितना परेशान हुआ, और तुम उसको कॉफी दे रही हो, ये चीज तुमको नहीं करना चाहिए था, उसको उसको भी इस चीज के लिए परेशान करना चाहिए था। तो सारा को लगा कि भाई अब तो मेरा पति है, इसको कैसे खुश किया जाए। तो फिर राशन के बाद में दोबारा झूठ मूठ का चिल्लम चिल्ला कर दी। और जब करणवीर को जेल में डालने की बात हो रही थी, ईशा जब बोल रही थी कि करणवीर को जेल में डाला जाए, तो अविनाश का ये चीज भी मुझे ठीक लगा, जो बोले इसको बाहर रहने देना। तो ईशा बोलती क्यों तुम्हारा खिलौना है वो, क्योंकि अविनाश जो है वो सोच रहे हैं कि अगर ये जेल चला जाएगा तो फिर हम दोनों का जो फुटेज कट रहा है वो कैसे कटेगा। तो अविनाश अच्छा खेल रहे हैं और अभी वो आगे जाएंगे, और बिग बॉस का भी हाथ अविनाश के ऊपर है, तो बिग बॉस भी उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं, और क्यों ना करें, जिनसे उनको फुटेज मिलेगा और जैसा वो चाह रहे हैं वैसा अविनाश कर रहे हैं, तो ठीक है। अब बात करते हैं श्रुतिका। श्रुतिका ही एक ऐसी बंदी है उस पूरे बिग बॉस हाउस में जो विवियन को टू द कट जवाब मुंह पे देती है, और विवियन ही क्या, वो रजत भी उससे भागता है, रजत भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता है, और विवियन के एक एक बात को सही डिकोड करती है। विवियन जितने एटीट्यूड से लोगों के साथ बात करता है, और टाइम बोर्ड जो बना है, तो उसको फील हो रहा है कि मैं सबका बाप हो गया हूँ। जिस तरह से वो बात कर रहा है, जैसा उसकी एटीट्यूड दिख रही है, मुझे विवियन का ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे देखा जाए तो पिछले एपिसोड में जहां तक मैं देखी हूँ विवियन, मुझे दिल से बहुत अच्छा बंदा लगा, लेकिन एक कमी है विवियन में जो आप लोग ध्यान दे सकते हैं अगर एपिसोड देखे होंगे तो। अगर देखे ध्यान दिए होंगे तो ठीक, नहीं तो ध्यान दीजिएगा कि विवियन को बोला हुआ एक भी बात विवियन दिल से लगाता है और उसको महीनों तक याद रखता है। विवियन अपनी बुराई नहीं सुन सकता है, और एक अच्छे इंसान की ये सबसे बुरी क्वालिटी होती है कि आप अपनी उपेक्षा ना सुन सके। जिस दिन आपके अंदर वो काबिलियत आ जाती है कि आप अपनी उपेक्षा हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिए, उस दिन आपको एक अच्छे आदमी की उपाधि मिल जाती है। तो विवियन में ये कमी तो है कि वो अपनी बुराई किसी से भी नहीं सुन सकता है, और किसी की बात सुनता ही नहीं है, बस उसको बोलने की आदत है कि मैं ही बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा। सामने वाला अगर क्वेश्चन किया तो ऐ लड़की मैं बोल रहा हूं अभी, तुम चुप, ये तो कोई तरीका नहीं है, आप बोल रहे हैं हमेशा, आप ही बोलते रहेंगे, सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। आपका सुनने थोड़े आया है कोई यहाँ बिग बॉस में, हर कोई अपना गेम दिखाने आया है, आपका लेने तो कोई आया नहीं है। आप किसी का सुनेंगे नहीं और उसकी बुराई कर देंगे, वो कुछ बोल देगा तो उसको दिल में आप बिठा करके महीनों तक याद रखेंगे। श्रुतिका उसको जो वोटिंग का पावर नहीं दी थी वो चीज उसको याद था,
और वो यही खुंदस अभी तक श्रुतिका से निकाल रहा है। श्रुतिका मुझे बेस्ट लग रही है, सबके गेम को एकदम साफ साफ वो दिखा रही है, सबके चेहरे से नकाब उतार रही है। श्रुतिका बहुत स्ट्रांग है, श्रुतिका को थोड़ा बहुत भी अगर सपोर्ट मिले बिग बॉस का तो वो आगे बढ़ेगी। अभी तो बस चुनिंदे ही कुछ बंदे हैं जिनको कि बिग बॉस सपोर्ट करते हैं, अविनाश, विवियन, ईसा, एलिस, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, नहीं तो किसी को बिग बॉस ये नहीं सोच रहे कि उनके घर में बुलाए गए कंटेस्टेंट हैं जिनको वो खुद बुलाए हैं। कल के एपिसोड में भी दिखाया गया कि सलमान सर किस तरह से करणवीर को बेवकूफ बना रहे हैं, करणवीर को नीचे दिखा रहे हैं, और करणवीर को ये चीज समझ ही नहीं आ रहा है, हर चीज को हंसते हंसते वो ले रहे हैं। ऐसे ही करते करते करणवीर हंसते हंसते घर से बाहर भी हो जाएंगे अगर करणवीर का ऐसा रहा तो। और बिग बॉस अगर एक सप्ताह, एक वीकेंड और अगर करणवीर को नीचे दिखाया ना, डोमिनेट किए ना, और उनका गेम तो खलास हो ही चुका है करणवीर, फिर कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, तब सेकंड सप्ताह में उनको बाहर निकालना पड़ जाएगा। सेकंड वीक में तब यही बोलेंगे कि करणवीर कुछ नहीं दे रहा है, उसको बाहर निकाल देते। तो बस अविनाश और विवियन में ही गेम रहेगा और यही दोनों भाई भाई बन करके आगे जा करके ट्रॉफी ले लेगा जो बिग बॉस चाह रहे हैं। एकदम बेकार कर दिए हैं, किसी एक को इतना सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, किसी एक के पीछे आप इस तरह से पड़ गए और किसी एक को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो साथ में आसमान पे उड़ रहा है, उसको लग रहा है कि वही भगवान बन गया है घर का, और जिसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो एकदम नीचे जाते जा रहा है, उनको लग रहा है कि क्या मेरा हर एक कदम गलत ही जा रहा है क्या। आप किसी बंदे को बार बार कहोगे कि आपकी बोली हुई बातें गलत हो रही है, आपकी की हुई हरकतें गलत हो रही है, तो वो तो खुद में सोचेगा ना कि क्या मैं इतना गलत जा रहा हूँ, क्या मेरा हर एक स्टेप गलत जा रहा है क्या। तो वो बंदा तो और डिमोटिवेट होकर के नीचे चला जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो प्लीज इस तरह से हैरेस करना किसी को बंद कर दे, अब उसके ऊपर ये चिट्ठा फाड़ना, बिल फाड़ना बंद कर दे। प्लीज आप लोग उसको बकस दे, मैं बात कर रही हूँ मेहरा की, आप लोग उसको बकस दे, उसको अपना गेम खेलने दे। अगर आप उनको रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, निकालना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप उनको बाहर कर का रास्ता दिखा दीजिए साफ साफ। नायरा जैसी स्ट्रांग खिलाड़ी को आप बाहर निकाल दिए, उसका जो भी स्ट्रांग ओपिनियन होता था उसको आप दिखाते, लाइव फिट में कितना अच्छा नायरा का देखते थे, दिन दिन भर उनका उनकी एक्टिविटीज दिखती थी। आप नायरा को बिग बॉस में भी नहीं दिखाते, करणवीर का भी फुटेज काट रहे हैं, उनको भी आजकल आप स्क्रीन में नहीं दे रहे हैं, उनकी भी आप फुटेज काट रहे हैं। और चूम के साथ एक अच्छा रिलेशन था, शिल्पा जी तो विश्वास के लायक है नहीं, वो तो करणवीर को यूज कर रही है, करणवीर अपना भरा चाहते हैं तो शिल्पा जी को छोड़ दे, उनको एकदम सीधे कह देगी भाई आप मेरे पास ना बैठे, क्योंकि जब वो हमेशा करणवीर को गलत ही समझती है तो उनके साथ करणवीर को रह के क्या फायदा है, बस वोट लेने के लिए करणदीप चाहिए कि हम किसी भी तरफ बच जाए नॉमिनेशन से। बहुत शातिर महिला है, मैं तो यही कहूंगी, बहुत शातिर, बहुत तेज महिला है, और ये करणवीर को यूज कर रही है। और रहा बात चूम का, तो ये वीकेंड के बाद में इस तरह का रिलेशन वाली बात उठा करके चूम भी अब उससे दूर भागेगी। चूम के साथ भी करणवीर का जो गेम चल रहा था उसको भी अब आप दूर कर ही दिए हैं, श्रुतिका अलग ही रहती है, तो करणवीर अब अकेला ही बच गया है। जैसे कि चाहत इंडिविजुअल गेम खेल रही है, वही चीज हो गया अब करणवीर का, उसके साथ भी आगे पीछे कर। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जिस दिन सब करणवीर को ये समझ में आ जाएगा कि शिल्पा जी उनका यूज कर रही है, उस दिन करणवीर का गेम सही हो जाएगा। अब बात करते हैं रजत की। तो रजत के बारे में कहा गया कि रजत कंफ्यूज हैं और बाहर की कुछ कमेंट दिखाई गई जिसको वो पहले परेशान करता था और उसी का अब रखवाला बन गया है। दूसरा कमेंट आया है ईशा के लिए कि जिसको बहन बोलता है और बहन के खिलाफ वो इस तरह की कमेंट करता है तो वो किसी का सगा नहीं है। रजत कंफ्यूज दिख भी रहा है, रजत को खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या करे ना करे, कभी इस ग्रुप में जाता है कभी उस ग्रुप में जाता है। बंदा दिल का अच्छा है, ओपिनियन स्ट्रांग है, बट पता नहीं कहाँ फिसल रहा है रजत, तो कुछ ऐसा खास तो नहीं कर रहा है। एक एपिसोड में आप देखे होंगे कि अविनाश से वो हाथापाई भी करने के लिए चला गया था, और वो भी चाहत के बात पे, जिस बात को लेकर के कमेंट दिखाया गया था, सलमान सर दिखाए, तो हाथापाई जैसी नौबत आ गई। और ये प्लान वो रात में किया कि मैं सुबह उस बंदे से बात करूंगा कि लड़कियों को कोई भी दुखी ना करे, तो आप भी तो वही हरकत किए थे जिस समय वो खाना बनाने के लिए गई थी, आप उसका वर्णन लेकर के चले गए, उसको खाना नहीं बनाने दे रहे थे, तो आप तो सेम हरकत की, और फिर आप जाकर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो बाहर ये क्वेश्चन होना तो जायज ही है। आपके बारे में समझ नहीं आ रहा है कि आप किसके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी का जो होता है ना, किसी एक से दोस्ती, एक से दुश्मनी होता है, आपका कुछ नहीं है, आप न्यूट्रल बन करके चारों तरफ घूम रहे हैं। आपकी जोड़ी चाहत के साथ अच्छी लगती है, अगर आप उसके साथ भी टाइम स्पेंड करें, उससे फ्रेंडशिप करें,
उसके साथ भी आगे बढ़े, क्योंकि आप जब तक आप किसी को अपना नहीं बनाएंगे, कोई आपका नहीं होगा, तो आप बचेंगे कैसे, आप सेफ कैसे होंगे इस गेम में। तो कम से कम चाहत के साथ ही आप आगे बढ़े तो भी अच्छा लगेगा देखने में, या फिर आप जिनके साथ बैठते उठते हैं और जो दो चार लोग हैं उनमें से ही आप अगर दोस्ती करें तो ठीक है। तो रजत का ये बेफिजूल का दूसरे के मुद्दे में घुस जाना, दूसरे के मुद्दे में पंगा ले लेना, ये चीज मुझे ठीक नहीं लगा। अदरवाइज रजत दिल का अच्छा है, सोचता अच्छा है, बोलता अच्छा है, करता कुछ और ही है। आज दिखाया गया था कि जेल में किसको डालना है, तो विवियन जो है पहले ही इस चीज को डिसाइड कर लिए थे अविनाश के साथ बैठ करके कि श्रुतिका और रजत को जेल डाला जाएगा। और उसके बाद बिग बॉस का अनाउंसमेंट होता है कि आपको ये पावर दी जाती है कि आप जेल में किसको किसको डालते हैं, तो झूठ का ही ड्रामा था ना, आप साफ साफ बोल देते बिग बॉस। ये विवियन के बारे में आकर के आप बता रहे हैं कि विवियन पहले से सोच लिए थे, तो ये कौन बहुत बड़ा तीर मार दिए, कौन सा ऐसा सरप्राइजिंग हो गया दर्शकों के लिए या व्यूवर्स के लिए। और सोची समझी हुई बात थी, सबसे पूछा गया तो रजत अपने आप को बोला मैं चला जाता हूँ, क्योंकि रजत भी सोच लिया कि लोग जब प्लानिंग कर ही चुके हैं कि मुझे जेल जाना है तो मैं चला जाता हूँ, भाई लड़ने झगड़ने से तो कोई फायदा है नहीं। तो वो जेल चले जाते हैं और जेल में जाने के बाद एक बड़ी बचकानी सी कमेंट रजत करते हैं, बोलते हैं कि मैं जो चाह रहा था वही हुआ, मैं चाह रहा था श्रुतिका मेरे साथ ही आए, इसलिए मैं जाकर के बोल रहा था कि इस लड़की को मेरे साथ नहीं देना। तो ये तो आप गलत बोल रहे हैं, आप तो चाह रहे थे कि श्रुतिका आपके साथ सच में ना जाए, जैसा आप जाकर के विवियन को बोले थे, लेकिन आपकी पास आपका पासा पलट गया तो अब आप करेंगे क्या। तो यह चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात हो गई, आप बोल रहे हैं कि मैं यही चाह रहा था और ये चोरी आपकी पकड़ी गई, इसके बारे में भी बिग बॉस आपको बोले ही। उसी समय आपको कमेंट करके बोले कि चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात, आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है आप इसको मेरे साथ डाले हैं ना, तो इसको मैं चैलेंज के रूप में लेता हूँ, मैं इसके साथ भी सर्वाइव करके आपको दिखाता हूँ, तो मजा आता। आई थिंक जो भी बड़ी घटनाएं हुई पिछले दो दिनों में उन सब विषय में हम लोग बात कर लिए हैं, और अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो इसके लिए माफ कीजिएगा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा की गई रिव्यू से आप लोग भी कनेक्ट होंगे और सहमत होते होंगे, और जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो मेरी बातों से सहमत हैं थम्सअप जरूर दें। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपके आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, आपके दिल की जो बातें हैं वो बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पता है मेरे बोलने से नहीं होगा जब तक कि मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, मेरे कंटेंट आपको अच्छे नहीं लगेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक प्रतिभागी के लिए फेयर रहूँ, किसी के लिए पक्षपात वाली भावना मेरे अंदर ना आए। अगर कोई कमी बेसी लगती है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।